और कैसे हो सब मेरे क्लैशर भाई। आज की मेरी ये पहली वीडियो है और ये बिल्कुल नया चैनल है। तो दोस्तों आज के टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस पर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है हमारे होग इवेंट पे। तो चलिए मैं आपको एक इसकी बेस्ट आर्मी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी बेस्ट आर्मी। तो जैसे कि आप देख सकते, देख बेस काफ़ी मैक्स नहीं था, थोड़ा सा डेड था, बट बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बेस था। मेरा TH9 मैक्स नहीं था इसलिए मेरे को बूस्ट ट्रूप्स यूज़ करना पड़ा। अगर आपका TH9 मैक्स है तो आप ये आर्मी को ज़रूर यूज़ करिए। तो आप आर्मी को आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों ने गोलम से फनल क्रिएट करा और फिर विजार्ड से पीछे के बेस को क्लियर कर दिया। फिर हम लोगों ने अपना पैका छोड़ा और फिर वॉल ब्रेकर छोड़ दिए वॉल में होल करने के लिए। पीछे से कुछ आर्चर्स, सीसी में बॉलर्स, हमारा किंग और बाकी के होग्स। तो दोस्तों होग्स पे हीलर हीलिंग तब डालनी है जब हमारे होग्स की पावर जो है काफ़ी कम होने लग रही हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप होग्स को होग्स के ऊपर हीलिंग सही जगह पे नहीं डालेंगे तो आप मैच हार भी सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा चल रहा है मैच। हमारा विजार्ड जो है ओपोनेंट के किंग को डाउन करने में लगा हुआ है और अब ओपोनेंट का किंग जो है हमारे विजार्ड्स को डाउन करने में लगा है। और दूसरी तरफ जो है हमारी हीलिंग्स काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। ऑलमोस्ट सारे विजार्ड टावर्स डाउन हो चुके हैं, बस अब एक वॉल ब्रेकर रह गया है, मतलब बॉम्बर टावर रह चुका है जिसको हमारे होग्स को ब्रेक डाउन करना है। तो अब हमारा किंग भी है जो है उसकी भी रेंज शायद ख़त्म होगी होगी और अब वो भी अपने वापस जाने लग रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा किंग जो है वो भी वापस जाने लग रहा है, ओपोनेंट का किंग। और हमारे किंग की जो है देख सकते हैं आप कितनी कम पावर रह चुकी है, बट फिर भी वो अच्छा फाइट कर रहा है। और अब हमारा जो किंग और पैका है वो ओपोनेंट के किंग को स्मैश करने में लगा गया है। तो अब देखते हैं, देख सकते हैं सारी की सारी डिफेंसेस डाउन हो चुकी हैं और अब हमारे बॉलर्स और होग जो हैं और भी सारी की सारी डिफेंसेस को डाउन करने में लगे हुए हैं। तो आप इस आर्मी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पहले एक दो बारी आप इसे फ्रेंडली बैटल्स में ट्राई करें तो ही अपने बैटल्स में यूज़ करें, वरना आप इसे इस आर्मी से हार भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और अटैक दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बेस डिज़ाइन था और इस पर फुल जाना तो शायद विच स्लैब से ही हो पाता या फिर लावा लुटेरियन से। तो देखिए इसमें भी फिर से वही करा, बस थोड़ी सी ट्रिक डिफरेंट करी। इसमें बॉम्बर जो है पहले छोड़ दिए वॉल में होल करने के लिए और फिर विजार्ड्स को छोड़ा गया। तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। और इस बार हम लोगों ने कोई सीसी से ट्रुप भी नहीं लिया था, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बिना सीसी के ट्रुप के चलते हैं। तो ये वाला अटैक मैंने उन्हीं के लिए मारा था। तो देख सकते हैं इसमें भी शायद सारी डिफेंसेस डाउन ना हो पाए, लेकिन इसके अंदर हम लोग काफ़ी अच्छा जो है मार चुके थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हीलिंग जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, बट हमारे हुक्स ज़्यादा नहीं बच पाए और हमारे विजार्ड्स और पैका ही बचे हुए हैं अभी। तो देख सकते हैं हमारा जो किंग है वो अब डार्क एलेक्सर की तरफ जाने लग रहा था, बट सडनली एक्सबो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। तो अब एक्सबो और सारे के सारे मोटार्स हमारे किंग की तरफ है जो कि हमारे किंग को निशाना बना चुके हैं और पैका ने अपना काम पीछे से कर दिया है। और ये स्मैश। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी बेस पे अच्छे से इस वाली आर्मी से मार सकते हैं अटैक। तो अगर आप ये इवेंट फटाफट से करना है तो इस आर्मी को जल्दी लगाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, अगली वीडियो के लिए फिर वेट करना।